हाय फ्रेंड, सौम्य किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको छोले टिकिया बनाना बता रही हूँ। ये छोले हमने रात को भिगो दिए थे इस कटोरी के नाप से। अब ये भीग चुके हैं, अब हम इनको उबाल लेंगे। आधा टेबल स्पून में इसमें मीठा सोडा डाल रही हूँ। आधा टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे। ये कुकर हमने लगा दिया है, इसकी अब हम 4-5 सीटी ले लेंगे। ये हमने 1 किलो आलू ले लिए हैं, इनको धो लिए हैं। पानी अच्छा ऊपर तक रख देते हैं इसका। या आलू की भी हम 4-5 सीटी ले लेंगे। चलिए, ये आलू हमने छील लिए हैं, अब हम इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। फोर टेबल स्पून इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। ये हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम ऑयल डाल दे रहे हैं। ये करीब 1 बड़े चम्मच ऑयल, ये 1 टेबल स्पून में इसमें राई डाल दे रही है। हो रही है हमारी, हमने ये मसाले निकाल लिए हैं। 1 टेबल स्पून सौंफ ले लिए है, 1 टेबल स्पून अमचूर ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी ले ली है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च ले ली है और 2 टेबल स्पून हमने धना ले लिया है। राई हमारी चटचटा रही है। ये 1/2 टेबल स्पून में जीरा डाल दे रही हूँ। मैं इसमें सौंफ डाल दी है, सौंफ हमने डाल दी है। ये हल्का हो रहा है, मैं ये चुटकी भर तेल डाल दे रही हूँ। हमने ये मसाले जो लिए थे, ये सारे मसाले हम इसमें डाल दे रहे हैं। टमाटर, 2 टमाटर हमने चुट लिए थे, ये हमने इसमें डाल दिए। ये हमने कसूरी मेथी ले ली है, इसको हम के डाल देते हैं। 1/2 टेबल स्पून में इसमें काला नमक डाल देते हैं। ये 1 टेबल स्पून और ये 1/2 टेबल स्पून में इसमें नमक डाल देते हैं, क्योंकि हम चने में 1/2 टेबल स्पून नमक पहले ही डाल चुके हैं। इसको हम चला लेते हैं। इसको ढक देती हूँ ताकि टमाटर अच्छे से हो जाए इसके। ये चने हमारे उबल चुके थे, चुड़ गए हैं अच्छी तरीके से, अब हम इसमें डाल देते हैं। कुछ हमने उबलने दिए हैं, अब ये हम चने चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बढ़िया हमारे चने बने हैं फ्रेंड्स। ये देखिए,
इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। इसको बंद कर देते हैं हम। अब हम अपनी टिकिया तैयार कर लेते हैं। ये तवे को हम पातेस कर लेते हैं और ये हमने गोल गोल टिकिया ऐसे बना के ये गोल गोल टिकिया हमने तैयार करके रखी है। बन रही है ना बहुत ही आसान। साइज छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर। तो टिकिया देखिए हमारी कितनी बढ़िया बन रही है। इनको हम पलटा रहे हैं। हमने इसमें थोड़ी सी धनिया डाल दी है टेस्ट के लिए। देखिए फ्रेंड कितनी बढ़िया हमारी टिकिया बन रही है, ना टूट रही है ना फूट रही है। आप इस तरीके से बनाइए, आपकी आलू टिकिया भी बिल्कुल बाजार जैसी गोल गोल बढ़िया बनेगी। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि आलू टिकिया बहुत अधिक चिपकती है, बनती नहीं है, तो आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे थोड़ा सा तो आराम से बन जाएगी। और फिर भी लगता है आपके आलू ज़्यादा नरम हो गए हैं तो आप उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, उसके बाद बनाएं। तो आलू सेट हो जाएगा तो फिर बढ़िया बना के बनेगी। सीख रही है ना बढ़िया। ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। हम टिकिया तैयार कर रहे हैं। ये हम दो टिकिया ले रहे हैं और इस पे हम चने डाल देते हैं। ये हमने चने डाल लिए इसमें। खस्ता है तो खस्ता डाल लीजिए और नहीं तो फुल्की डाल लीजिए आप। आजकल रेडीमेड भी आती है बनी हुई, घर पे तल लो उनको। ये हमने पहले छोले डाल दिए हैं, फुल्की डाल दी है इसमें। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। ये प्याज हम बारीक करके रख लिए हमने। अब ये इमली की चाट डाल देते हैं। दही आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो ना जरूरी नहीं है ये। और अब हम इसमें सेव डाल देते हैं। थोड़ा सा हम धनिया गार्निश कर लेते हैं और ये मैं सिके जीरे डाल दे रही हूँ थोड़े।
थोड़ा सा लाल मिर्च, तैयार हो गई है हमारी टिकिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी छोले टिकिया कितनी मस्त बनी है। आप इस तरीके से छोले टिकिया बनाएं घर पे, बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत बढ़िया बनेगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सोमया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।